हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ। तो हमें दो टॉपिक कवर करने हैं, मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ में कवर करना है और हिंदू लॉ में कवर करना है। तो ये मुस्लिम लॉ का वीडियो है, हिंदू लॉ का वीडियो इसके बाद आएगा। तो मेंटेनेंस क्या है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, लॉ में मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो मान लो एक आदमी है या औरत है। नॉर्मली मेंटेनेंस का जो इशू आता है वो मैरिज में आता है, ठीक है। जनरल आपके दिमाग में आएगा कि मेंटेनेंस की चीज़ मैरिज में ही होती है, कि हस्बैंड वाइफ को देता है। और मुस्लिम लॉ में बात भी सही है, हस्बैंड वाइफ को देता है। हस्बैंड को मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ में नहीं मिलता, हिंदू लॉ में मिलता है, मुस्लिम लॉ में नहीं मिलता। अब दूसरा सवाल उठता है कि मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। आपकी वाइफ को नया खरीदना है फ़ोन, तो वो मेंटेनेंस के खर्चे में आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरी चीज़ें भी क्या क्या आएंगी और क्या क्या नहीं आएंगी वो डिटरमाइन करना ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट असेंशियल्स हैं मेंटेनेंस जब आप देते हो वाइफ को या हस्बैंड को। मुस्लिम लॉ में सिर्फ वाइफ को, हस्बैंड को नहीं मिलता। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, इन सब चीज़ों का खर्चा मेंटेनेंस में वाइफ को, बच्चों को मिलता है। जैसे पढ़ाई बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में है, मेडिकल ट्रीटमेंट, रेसिडेंस, क्लोथिंग, फूड, सबके कॉन्टेक्स्ट में है। और एक आखिरी चीज़ है वेडिंग एक्सपेंसेस, ये सिर्फ अनमैरिड डॉटर के कॉन्टेक्स्ट में है। अनमैरिड डॉटर का हक बनता है, शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फॉर हर वेडिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो मेंटेनेंस क्या होता है समझे, और मेंटेनेंस में क्या क्या कवर होता है वो भी समझे। मुस्लिम लॉ में जो मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं वो वाइफ के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और कुछ और रिलेशंस हैं उनके लिए। अब इनमें हमें सिर्फ वाइफ पे फोकस करना है, क्योंकि मेजर पार्ट तो वाइफ के मेंटेनेंस का ही है, जो सब्जेक्ट का आपको कोर्स है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चिल्ड्रन का थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक बता दूंगा, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का और अदर रिलेशंस का हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता और इतना कुछ सब्सटेंस है भी नहीं इनमें। तो हम बेसिकली, हमारा जो टॉपिक होगा वो वाइफ का मेंटेनेंस होगा। इधर हस्बैंड को तो मिलता नहीं है मुस्लिम लॉ में, और चिल्ड्रन का मैं ब्रीफ बता दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है। तो चालू करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइफ से। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की अगर बात कर रहे हैं तो चार कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं, मतलब चार सिनेरियोज हो सकते हैं मेंटेनेंस के, कि इन इन सिचुएशंस में डिवाइड हो सकता है, चार मेजर सिचुएशंस में डिवाइड हो सकता है। ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज बेसिस ऑफ प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 125 और अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986। तो ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज की वजह से मिल सकता है मेंटेनेंस, एक प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट की वजह से मिल सकता है, सेक्शन 125 के हिसाब से मिल सकता है, और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986 के हिसाब से मिल सकता है। अब देखते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज का क्या हिसाब है। एज ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज का हिसाब है कि हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है कि वो वाइफ को मेंटेन करेगा जब तक वाइफ उसके साथ फेथफुल रहेगी और उसके रीजनेबल ऑर्डर्स मानेगी। अगर वाइफ रीजनेबल ऑर्डर नहीं मानती है और फेथफुल नहीं रहती है, तो हस्बैंड की लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है मेंटेन करने की। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है जब वाइफ मांग सकती है मेंटेनेंस हस्बैंड को डिसओबे करके भी, मतलब वाइफ का एंटाइटलमेंट होगा हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का फेथफुल ना रह के या रीजनेबल ऑर्डर फॉलो ना करके भी। अगर हस्बैंड कॉन्क्यूबाइन रखता है, अगर हस्बैंड गिल्टी है क्रुएल्टी करने के, या हस्बैंड मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं कर पाया अपनी इलनेस की वजह से, माल फॉर्मेशन की वजह से, या वो कहीं चला गया, या उसने परमिशन नहीं ली जाने से पहले, या हस्बैंड ने प्यूबर्टी अटेंड नहीं करी है, इन सारी कंडीशंस में अगर वाइफ डिसोबे भी करती है हस्बैंड को, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड रहेगी, अगर 1, 2, 3 में फॉल करता है तो। तो बेसिकली जिस्ट ये है कि अगर शादी हुई है तो हस्बैंड की लायबिलिटी है कि वो वाइफ को मेंटेन करे, और वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेथफुल रहे उससे और उसके रीजनेबल ऑर्डर माने, लेकिन वो चाहे तो रीजनेबल ऑर्डर उसके इग्नोर भी कर सकती है अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो। तो ये बेसिकली पहला तरह का मेंटेनेंस शादी के अंदर ही जो मेंटेनेंस होता है। सेकेंड बात आती है ऑन बेसिस ऑफ प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट। अब देखो, जैसा कि हमें पता है शादी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ कंडीशंस रख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि वाइफ कंडीशंस रखती है शादी जब हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जब हो रहा होता है निकाह के टाइम पे, कि 100-100 कंडीशंस में वो एंटाइटल्ड होगी सेपरेटली रहने के लिए और मेंटेनेंस ले सकती है हस्बैंड से। अब वो कंडीशंस क्या होंगी, वो कंडीशन इस्लाम को वायलेट करे बिना इस्लाम की बाउंड्रीज के अंदर कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कंडीशन हो सकती है कि हस्बैंड इल्ट्रीट नहीं करेगा उसको, या दूसरी शादी नहीं करेगा उसके बाद, या कॉन्क्यूबाइन नहीं रखेगा वो। अब जैसे मान लो वाइफ ने प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के टाइम पे कंडीशन रख दी कि आपने अगर दूसरी शादी करी तो मैं अलग रहूंगी और मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा।
जो ऐसे प्री नपचुअल अग्रीमेंट से स्पेशल अलाउंस मिलता है उसको बोला जाता है खर्चा ए पंदन। अब देखो ये पंदन है या पांदान है मुझे पता नहीं, मैं आपको टर्म बता रहा हूँ एग्जाम में पूछ लें तो। और इसका एक केस भी है अली अकबर वर्सेस फातिमा 1929 का केस है, इसमें 25 रुपये मंथली खर्चा ए पंदन दिया गया था। अब इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे टॉपिक में, पूरे के पूरे मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, वो है कि हस्बैंड की लायबिलिटी मेंटेनेंस देने की वाइफ को जिसको वो डिवोर्स करता है इज ओनली लिमिटेड टू इद्दत पीरियड। ठीक है, अब ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। ठीक है, हस्बैंड की लायबिलिटी टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू वाइफ हु इज डिवोर्स्ड इज ओनली लिमिटेड टू इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड कितना होता है? नॉर्मली 3 महीने का होता है। तो हस्बैंड की लायबिलिटी क्या सिर्फ 3 महीने है वाइफ को मेंटेनेंस देने की, उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है? मतलब मैं हस्बैंड हूँ, मुसलमान हूँ, मैंने मेरी वाइफ को डिवोर्स दिया तो मैं 3 महीने तक उसको मेंटेनेंस दूंगा जब तक इद्दत पीरियड है, उसके बाद आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो ये बहुत गलत सी चीज़ थी, कुछ इस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, वो कॉन्ट्रोवर्सी की कहानी हम देखते हैं क्या हुआ था। अब ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है सेक्शन 125 CRPC से, और कंट्रोवर्सी का अंत होता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 से। अब इसको समझो, सेक्शन 125 है CRPC में, सेक्शन 125 मेंटेनेंस की बात करता है और वो CRPC में है। CRPC मतलब क्रिमिनल लॉ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फैमिली लॉ। फैमिली लॉ बेसिकली पर्सनल लॉ या सिविल लॉ बोल सकते हो। तो ये क्रिमिनल लॉ का प्रोविजन है, नॉर्मली फैमिली लॉ सिविल लॉ का प्रोविजन होता है। तो सेक्शन 125 जो है वो बात करता है, वो बोलता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक इंसान को ऑर्डर दे सकता है कि वो मंथली अलाउंस देवे। ठीक है, अगर उसने अपनी ड्यूटीज़ में निग्लेक्ट करा है, अपनी ड्यूटीज़ ढंग से फॉलो नहीं करी है मेंटेन करने में। किसको मेंटेन करने में? अपनी वाइफ को, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। बच्चे, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, माइनर बच्चे, ठीक है, मैरिड और अनमैरिड बोथ, अनेबल टू मेंटेन इट्सेल्फ। जो माइनर बच्चे हैं भले उनकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते वो। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड मतलब 18+ के जो बच्चे हैं जिनके फिजिकल या मेंटल इंजरी है जिनकी वजह से वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। मैरिड डॉटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मैरिड डॉटर को जहाँ पे उसकी मैरिज हुई है वहाँ पे मिलेगा मेंटेनेंस, वहाँ पे रखेंगे ध्यान। और फादर और मदर जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, ये 4 कैटेगरी में बात की है सेक्शन 125 CRPC। ये ध्यान रखना, सेक्शन 125 CRPC के बता रहा हूँ, ये मुस्लिम लॉ नहीं है, ये सेक्युलर लॉ है, सब पे अप्लाई होता है ये, समझ रहे हो? मतलब ये जो प्रोविजन है ये कोई पर्सनल लॉ से रिलेटेड नहीं है, ये फैमिली लॉ से रिलेटेड नहीं है, ये सबके लिए सेम है, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी। ठीक है, सब पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये CRPC में है। 125 में इन प्रोविजंस के साथ इंटरिम मेंटेनेंस की बात की है, एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन की भी बात करी है जो कि 60 दिन के अंदर अंदर देना पड़ता है नोटिस की डेट से। और सेक्शन 125 जैसा कि मैंने आपको बताया एक सेक्युलर प्रोविजन है गवर्निंग मेंटेनेंस लॉज अक्रॉस ऑल पर्सनल लॉज। प्रॉब्लम और कंट्रोवर्सी जब चालू हुई, जब मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाह बानो बेगम, इसको शाह बानो केस भी बोला जाता है, काफ़ी लैंडमार्क केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक वुमेन का राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का सेक्शन 125 के अंडर। ठीक है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ नहीं है, और वो मुस्लिम का पर्सनल लॉ वायलेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो सबके लिए सेम है, सेक्युलर लॉ है। तो शाह बानो को मेंटेनेंस दे दिया गया इद्दत पीरियड के बाद भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया मुस्लिम लॉ में सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही, अगर डिवोर्स दे रहे हैं तो इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस की बात है, उससे ज़्यादा मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ में नहीं दे सकते आप। ठीक है, मतलब नहीं देने देना होता, ऑब्लिगेशन नहीं है हस्बैंड की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि रीमैरिज तक दो, जब तक शाबानों की दोबारा शादी ना जाए तब तक हस्बैंड को बोलो मेंटेनेंस देवे, तो मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी गुस्सा हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो गुस्से पे ध्यान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, सेक्शन 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि 125 अप्लाइज टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, और क्रिमिनल है वो नेचर में। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ सिविल है नेचर में, तो अलग अलग लॉज हैं, तो इन दोनों को आपस में मिक्स करना कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन फिर भी जजमेंट तो आ गया, शाबानों को मिल गया मेंटेनेंस। लेकिन शाबानों केस के बाद दिक्कत ये हुई कि एक प्रोटेस्ट हो गया बहुत बड़ा।
ठीक है, लोग रोडों पे उतर गए और बोले कि उनका अटैक हो रहा है, उनके रिलीजन पर अटैक हो रहा है, क्योंकि उनके रिलीजन में लिखा है इद्दत पीरियड से आगे मेंटेनेंस नहीं देना होता, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है देना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ट्रांसग्रेस कर रहा है उनके रिलीजन पर, उनके रिलीजियस पर्सनल लॉज पर। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई। तो इस दिक्कत को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो ये आप एक्ट देखोगे तो पढ़ने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि मुस्लिम वुमेन के प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए अलग से निकाला है एक्ट पूरा, तो अच्छा ही होगा। लेकिन नहीं, ये पूरा का पूरा फट्टू मूव था। डर गई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लगा अगली बार वोट नहीं मिलेगा हमको, तो गवर्नमेंट ने सारे प्रोटेस्ट से गिव अप कर दिया। ठीक है, लोग रोड पे आए, लोगों ने रोड पे आके बोला कि हम अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, हम हमारी अनरीजनेबल बात मानो। तो गवर्नमेंट ने बोला हम तुम्हारी अनरीजनेबल बात मानते हैं, और पार्लियामेंट ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में प्रोटेस्ट से गिव अप कर दिया, प्रोटेस्ट के सामने गिव अप कर दिया मतलब, और एक लॉ इनैक्ट कर दिया जिसने डाइल्यूट कर दिया शाहबानों का पूरा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो काफ़ी अच्छा जजमेंट था। अब इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने वापस लिमिट कर दी, इस एक्ट ने वापस कह दिया कि लाइबिलिटी हस्बैंड की इद्दत पीरियड तक ही है सिर्फ मेंटेनेंस देने की, उसके बाद नहीं है। मतलब 3 महीने तक हस्बैंड मेंटेनेंस देगा, उसके बाद नहीं देगा। अब सिर्फ इतनी सी बात करते, अगर ये एक्ट निकाल देते, एक्ट का नाम देते मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, और फिर ये ऐसी घटिया बात कर देते, तो जूते पड़ते ना गवर्नमेंट को। जूते नहीं पड़ते तो गालियां तो पड़ती कि क्या कर रहे हो तुम, डबल स्टैंडर्ड्स, नाम कुछ रख रहे हो, अंदर कुछ लिख रहे हो। तो इन्होंने क्या, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी सी बकवास और डाल दी। इन्होंने कर दिया कि इद्दत पीरियड के बाद अगर वुमेन अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो उसके रिलेटिव उसको सपोर्ट करेंगे जो उससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाले थे। जैसे मान लो ये वुमेन है ए, तो इससे इसके मरने पर जो जो रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव 1, रिलेटिव 2, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाले थे ना, वही रिलेटिव इसको मेंटेन करेंगे अगर ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही। और अगर ये रिलेटिव नहीं मेंटेन कर पा रहे या रिलेटिव नहीं है, तो वक्फ बोर्ड पे करेगा मेंटेनेंस के लिए। अब ये कितनी अजीब सी अबसर्ड सी बात है, वो वाइफ के रिलेटिव उसको क्यों मेंटेन करेंगे, ऐसे कौन करता है आज के ज़माने में, और वक्फ बोर्ड क्यों करेगा, और कितनों की बीवियों को करेगा। ठीक है, मतलब ये काफ़ी अबसर्ड सी बात है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये इन्होंने सिर्फ इसलिए डाली ताकि ये घटिया चीज़ से फोकस हट जाए और ये जस्टिफाई कर सकें किसी तरह की प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कैसे हो रहा है। ये कोई प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स नहीं है, ये बकवास है। इधर आपने राइट्स छीने, थोड़ी सी बकवास करी और नाम रख दिया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही घटिया मूव था गवर्नमेंट का, बहुत ही डरपोक मूव था, बिल्कुल भी स्पाइनलेस मूव था। तो ये जो मूव था, इसके बाद आया डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन चलो ठीक है, बेटर हुई उससे, एक्ट से तो बेटर हुई। कोर्ट ने बोला कि मुस्लिम हस्बैंड की लायबिलिटी सिर्फ इद्दत पीरियड के अंदर मेंटेनेंस देने की नहीं है। कोर्ट ने क्या, थोड़ा टेक्निकल कर लिया इसको, बढ़िया कर दिया। मतलब कोर्ट ने करा कि 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है, ठीक है, ये 3 महीने के इद्दत पीरियड में मेंटेनेंस देने के लिए हस्बैंड लायबल है। तो कोर्ट ने बोला कि ये सिर्फ जो मेंटेनेंस इस 3 महीने में तुम दे रहे हो ना, ये इस 3 महीने का नहीं है, ये पूरी लाइफ का है। समझ रहे हो, मतलब ये 3 महीने का इद्दत पीरियड का तो टाइम पीरियड तुम्हें मिला है, ठीक है, कि तुम मेंटेनेंस अरेंज करो, लेकिन वो मेंटेनेंस इस इद्दत पीरियड के बाद का भी होगा। समझ रहे हो, मतलब मान लो वाइफ के 10 साल का खर्चा है 50 लाख रुपए, तो इद्दत पीरियड में तुम वो 50 लाख अरेंज करो। इस टाइप की बात थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में करी, तो वो थोड़ी बात ठीक थी कि हाँ चलो इद्दत पीरियड में लमसम पूरा पैसा मेंटेनेंस का हस्बैंड दे देगा, सिर्फ 3 महीने का मेंटेनेंस का पैसा नहीं देगा। तो ये एक अच्छा इंटरप्रिटेशन था, और ये इंटरप्रिटेशन से थोड़ा वो भी क्लियर हो गया कि हाँ भाई अब पर्सनल लॉ पे अटैक नहीं है, हम पर्सनल लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, 3 महीने के अंदर ही मेंटेनेंस देना है, लेकिन देना अमाउंट ज़्यादा का है। तो मेंटेनेंस वुड ऑल्सो काउंट फॉर आफ्टर द इद्दत पीरियड, बट द हस्बैंड मस्ट अरेंज इट बिफोर द एंड ऑफ इद्दत, ये वाला स्टेटस हो गया। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर दिया। मतलब वो रिलेटिव्स वाली बात और वक्फ बोर्ड वाली बात अभी भी है, मतलब हस्बैंड नहीं दे पा रहा या हस्बैंड नहीं देगा या हस्बैंड कहीं कुछ भी रीजन से, तो रिलेटिव और वक्फ बोर्ड वाली बात अभी भी एप्लीकेबल है। तो गाइज ये हो गया हमारा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। तो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी कि शादी में पति का ऑब्लिगेशन होता है तो मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी हमने बात पढ़ी थी कि प्री नपचल अग्रीमेंट होता है तो वो अलग रह के भी मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन हमने उसमें देखा कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा अगर डिवोर्स दिया है तो सेक्शन 125 की कंट्रोवर्सी आई, उसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट,
वाली जो चीज़ आई 1986, और उसके बाद हमने दो केस पढ़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, शाहबानो और दानियल लटीफ़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ कंप्लीट। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की, एकदम शॉर्ट में। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की अगर बात करें तो फादर की ऑब्लिगेशन होती है मेनली मेंटेन करने की बच्चों को। फादर अपने बेटे को, सन को मेंटेन करेगा जब तक उसकी मेजॉरिटी अटेन नहीं होती, मतलब 18 साल का, और डॉटर को वो मेंटेन करेगा जब तक उसकी शादी नहीं होती। फादर इज़ ऑल्सो लाइबल टू मेंटेन मेजर सन इफ़ ही इज़ अ लूनेटिक और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड एंड नॉट इन कंडीशन टू मेंटेन हिमसेल्फ। फादर की बाउंडेशन नहीं होगी चिल्ड्रन को मेंटेन करने की अगर वो उसके साथ रहने से मना कर देते हैं रीजनेबल कॉज के बिना। पापा के साथ रहना पड़ेगा अगर पापा से पॉकेट मनी और पैसा और खाना और घर चाहिए तो। फादर हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज इलेजिटिमेट चाइल्ड अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, मुस्लिम लॉ के अंडर इलेजिटिमेट चाइल्ड की मेंटेनेंस की लाइबिलिटी बाप पे नहीं होती, लेकिन सेक्शन 125 CRPC के अंडर लाइबिलिटी होती है अभी भी। मदर हैज़ वेरी लिटिल ऑब्लीगेशंस, माँ के पास ऑलमोस्ट निल ऑब्लीगेशन होती है, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती मेंटेन करने की अपने बच्चे को। हनाफी लॉ में अगर हस्बैंड गरीब है और वाइफ रिच है, ठीक है, तो वो मेंटेन करेगी बच्चे को, लेकिन उस मेंटेनेंस का भी वो बाद में रिकवर कर सकती है पैसा हस्बैंड से अगर हस्बैंड की कंडीशन बढ़िया हो गई तो, सिर्फ हनाफी लॉ में। बाकी तो वाइफ की ऑब्लिगेशन होती नहीं है, हस्बैंड की होती है। तो गाइज ये हो गया हमारा मेंटेनेंस इन मुस्लिम लॉ और सेक्शन 125 कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और मैंने अच्छे समझाया होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर दो यार। और वीडियो देखना है फैमिली लॉ के तो यहाँ प्लेलिस्ट आ जाएंगी, बाकी वीडियोज़ देख लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू। और कमेंट कर दो यार, कमेंट करो, बातें करो मेरे से, बताता हूँ मैं। आपको कुछ डाउट है तो पूछो।